एक तरफ गायत्री मंत्र का उच्चारण तो दूसरी तरफ नमाज। कमरे के कोने में सरस्वती तो दूसरे कोने में कुरान। ये तस्वीरें जवाब है देश को बांटने की राजनीति करने वालों को। ये मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करने वाला ये मदरसा अलीगढ़ में है, जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे न केवल एक छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि एक ही कमरे में आरती और नमाज की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यह मुस्लिम लड़कों को ओम की आवाज पसंद है तो हिंदू बच्चों को अजान बड़ा सुकून देती है। यहाँ धर्म और जाति नहीं बल्कि भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। ये हमें अच्छे लगते हैं, इनकी अजान की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, हमारी ओम की इन्हें अच्छी लगती है। वो अपनी पूजा करते हैं और हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, और उससे आपको कोई एतराज नहीं है? उससे कोई एतराज नहीं है हमें, और वो हमारी सीखते हैं, वो हम उनकी सीखते हैं। जिस धर्म के नाम पर बड़े लड़ाई करते नजर आते हैं, आज उसी धार्मिक एकता का संदेश ये छोटे बच्चे दे रहे हैं। इस मदरसे की पूरी शिक्षा मुफ्त है, वहीं हर धर्म के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। इससे हमारे बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है, यहाँ इल्म देते हैं बच्चों को और हर धर्म के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी अलनूर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मदरसा चाचा नेहरू चला रही हैं, जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। सलमा अंसारी ने ऐलान किया था कि वो इस मदरसे में मंदिर और मस्जिद का निर्माण कराएंगी। मंदिर में शिव जी और हनुमान जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सलमा के इस ऐलान के बाद से वो कई धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर सलमा ने यहाँ पूजा की व्यवस्था कर दी। मदरसे में सरस्वती मूर्ति स्थापित की गई, जहाँ बच्चे आरती करते दिख रहे हैं, वहीं उनके बगल में नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है।